जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है कि वह जीवन में सफलता पाए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे मनचाही चीजें नहीं मिल पाती। यदि आप भी अपने जीवन में मुश्किलों से जूझ रहे हैं, कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, या कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही समस्याओं से निपटने के लिए तंत्र शास्त्र में कुछ टोटके और उपाय बताए गए हैं। आप उसके निवारण हेतु निम्न उपायों को करें, इससे आपकी बाधा अवश्य दूर होगी। नजर उतारने के लिए बहुत मेहनत करने पर भी काम न बन रहा हो तो साफ है कि किसी की बहुत बुरी नजर आपको लगी है। ऐसे में आप शुक्ल पक्ष के बुधवार को अपने हाथों से मिट्टी का एक शेर दुर्गा मां को अर्पित करें, प्रसाद में जलेबी चढ़ाएं, बुरी नजर से मुक्ति मिल जाएगी। बिक्री बढ़ाने हेतु, यदि दुकान की बिक्री में वृद्धि नहीं हो रही हो तो प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल दुकान के मंदिर में कोई भी नमकीन चीज जैसे पकौड़ा, कचौरी या समोसा रख दें और सूर्यास्त के बाद इसे किसी काले कुत्ते को खिला दें। यह उपाय 7 शनिवार लगातार करें, दुकान की बिक्री में वृद्धि होगी। मकान बनाने के लिए घर निर्माण से पहले नींव खुदाई के समय 21 या 22 कौड़ियां केसर से रंग कर ओम महालक्ष्मी नमः का जप करते हुए नींव में उत्तर एवं ईशान दिशाओं में डालें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होगा। इस उपाय के फलस्वरूप घर पर कोई आपदा नहीं आती। स्मरण रहे, कौड़ियां शुद्ध होनी चाहिए। नींद न आना, डिप्रेशन, अनिद्रा, नसों की कमजोरी आदि से ग्रस्त हों तो अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के कोई भी अनाज मंदिर में दान करें, बहुत लाभ होगा। वाहन खरीदना हो, यदि कोई नया वाहन खरीद रहे हो तो 3 कौड़ियों को शुद्ध कर पूजन तिलक कर काले धागे में पिरोकर वाहन में लगाएं, वाहन शुभ फलदायक रहेगा। वाहन शुक्ल पक्ष में ही खरीदें। विदेश यात्रा हेतु, विदेश जाने में बाधा आ रही हो तो ताजा मक्खन और मिश्री बांके बिहारी को अर्पित करें। यह उपाय शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर प्रतिदिन करें। इसके अतिरिक्त 1 नारियल और 2 फल 16 सोमवार शिवजी को चढ़ाएं। यह उपाय श्रद्धा निष्ठा पूर्वक करें, इससे अवश्य लाभ होगा। व्यापार में उन्नति, व्यापार न चलता हो, काम में बाधा आ रही हो तो घर में ईशान कोण में नवग्रह यंत्र स्थापित करें और नवग्रह की पूजा तथा हवन भी कराएं। लाल कपड़े में चांदी के टुकड़े लॉन्ग बॉक्स में रखें, व्यापार में लाभ होगा। अगर किसी जादू टोने के कारण व्यापार में मंदी हो तो ईशान कोण में नवग्रह यंत्र स्थापित करें। शुभ समय में 1 त्रिशूल और 1 डमरू 5 अलग-अलग शिव मंदिरों में दान दें। यह उपाय शुक्ल पक्ष में सोमवार को ओम नमः शिवाय का जप करते हुए करें, शीघ्र ही लाभ होगा। जीवन में सफलता के लिए उन्नति के मार्ग में पग पग पर कठिनाइयां आती हों, जीवन में कोई उत्साह नहीं रह गया हो तो 19 शनिवार पीपल पर सूत लपेटें, तिल के तेल के दीपक में 11 दाने उड़द के डालकर जलाएं, भगवान से सफलता की प्रार्थना करें। जीवन अत्यंत सुखमय होगा और जीवन में जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ सब धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यह उपाय श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करें। विवाह बाधा मुक्ति, यदि किसी पुरुष के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे शुक्ल पक्ष के प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए केसर का तिलक लगाएं तथा केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं, ऐसा नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी करना चाहिए, शीघ्र ही सगाई और विवाह के योग बन जाएंगे। काम बन जाने पर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए बेसन के 1.25 किलो लड्डू मंदिर में चढ़ाने चाहिए। तलाक हो गया हो और दूसरा विवाह करना चाहते हो तो तुलसी के पौधे को सोमवार से शनिवार तक सुबह शाम घी का दीपक अर्पित करें, साथ ही तुलसी की माला पहने तथा राम और कृष्ण की फोटो पास रखें, शीघ्र विवाह की संभावना बनेगी। और बेटा, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताओ और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो।